इदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कृष्ण गोविंद हरे पुरा
Krishna Govinda Hare Murare He Nath Narayan Vasudeva पुरुषाय दिवीजाय
परेशायाभि धीमहि यस्मिन्निदं यतश्चिदं येनेदं य इदं स्वयम् योऽस्मात् परस्माच्च परः तं प्रपद्ये स्वयं भुवम् यः स्वात्मनेदं निजमायार्पितम् क्वचिद् विवातम् क्वच तत्तिरोहितम् अविद्धदृक्साक्षुभयं तदीक्षते स आत्ममूलो वतु मां परात्परः प्रेमपुरी जी अध्यात्म विद्या भवन मुंबई के माध्यम से श्री कृष्ण कुमार जी दहिया परिवार के संकल्प से चल रहे गीता चिंतन माला में इस पुरुषोत्तम मास के मंगल अवसर पर गजेंद्र मोक्ष प्रसंग को आप लोग श्रवण कर रहे हैं। जब गजेंद्र सर्वथा विवश हो जाता है और एकमात्र भगवान के सिवाय कोई उसको रक्षा करने वाला दिखाई नहीं पड़ता, तब अंत में काल के गाल में जाते जाते गजेंद्र भगवान को स्मरण कर रहा है। और भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु मैं आपकी ही प्रपत्ति ले रहा हूं, आपकी शरण ले रहा हूं। कारण कि संसार में कोई शरण्य मुझे दिखाई पड़ता है तो आपके सिवाय दूसरा कोई नहीं, आप ही है। आपसे ही सारा संसार चेतनावान हो रहा है। आप सबके हैं, आप सब में हैं, आप सर्वत्र विद्यमान हैं, आप इसे संपूर्ण जगत के कारणभूत हैं, आप ईश्वर के भी ईश्वर परम ईश्वर हैं। हे प्रभु, मैं तो ऐसा अनुभव कर रहा हूं कि ये सारा का सारा विश्व उसी प्रकार से आप में विद्यमान है जिस प्रकार आभूषण स्वर्ण में विद्यमान होते हैं, और संपूर्ण विश्व की जो उत्पत्ति है वो भी उसी प्रकार से है जिस प्रकार आभूषण स्वर्ण से बन रहे हैं। इस जगत के कारण भी आप ही है, सारा विश्व आप में समाया हुआ है और आपसे ही प्रकट हो रहा है। और इतना ही नहीं कि आपने जगत को उत्पन्न किया, आपसे पैदा हुआ और पैदा करके आपने छोड़ दिया हो, ऐसा नहीं है। इसके भरण पोषण रक्षण जीवन काल की संपूर्ण व्यवस्था भी आपसे हो रही है। येनेदम, जिसके द्वारा ये संपूर्ण हलचल हो रही है। और तो और, जिस प्रकार कल आप लोग श्रवण कर रहे थे कि ग्वाल बाल और बछड़ों के रूप में
भगवान श्री कृष्ण ही प्रकट हुए हैं, उस रूप में प्रकट करने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं, और उनकी संपूर्ण व्यवस्था भगवान कृष्ण के द्वारा चल रही है। और सच्चाई ये थे कि बछड़ों और ग्वाल बालों के रूप में भी भगवान श्री कृष्ण ही दिखाई पड़ते, वही है। जगत के रूप में भी आप ही हैं, इदम स्वयं, इस विश्व के रूप में जो है आप स्वयं हैं महाराज, जो इस विश्व से भी माने स्थूल नाम रूप जगत से और इसकी कारणभूता जो प्रकृति है उससे भी परे कोई तत्व हैं, तो आप हैं। ऐसे पराकाष्ठा की जहाँ परता है, ऐसे परम तत्व परमेश्वर में आपको प्रणाम करते हुए आपके शरण लेता हूँ, आपका आश्रय लेता हूँ। आप स्वयंभू है, आपसे सारा विश्व पैदा हुआ, परंतु प्रश्न उठे कि आप किससे पैदा हुए, तो आपके कारण तो आप ही, आप स्वयं ही है, आपका कोई पिता नहीं है। महात्मा लोग सुनाते हैं ना, महादेव जी की शादी हो रही थी और जब ऋषि महर्षि संकल्प पढ़ते समय महादेव जी को कहने लगे, बोले राजा अपना नाम बोलो, पिता का नाम बोलो, अपना गोत्र बोलो, तो महादेव जी ने अपना नाम बोला शिव, शिवा मेरा नाम। पिताजी का नाम बोलो, बोले विष्णु, विष्णु के पिताजी का नाम बोलो, बोले शिव। कहने का अर्थ, उनका कोई मूल नहीं, वो स्वयं मूल है। परमात्मा इस विश्व के रूप में स्वयं ही प्रकट हो रही है। इस श्लोक को कल मैं विस्तार में विचार करने का प्रयास कर रहा था और घड़ी ने इनकार कर दिया। मैं आपको निवेदन कर रहा था कि कोई भी वस्तु पदार्थ जब बनते हैं तो उसके उपादान कारण होते हैं, तभी बनते हैं। कारण के बिना कोई कार्य पैदा नहीं होता। जिससे बनते हैं वो कारण है, जो बनता है वो कार्य है। पुस्तक कागज से बनती है, कागज कारण है, और जो बनती है पुस्तक वो कार्य है। वस्त्र धागे से बनता है, धागा कारण है, बनने वाला वस्त्र कार्य है। खिलौने मिट्टी से बनते हैं, मिट्टी कारण है और खिलौने कार्य है। अब वो जो कारण है, वो कारण दो प्रकार के माने जाते हैं। एक निमित्त कारण और दूसरा होता है उपादान कारण। ये जगत भी जो बना है, न निमित्त से बनेगा न उपादान से बनेगा। जैसे एक मिट्टी का घड़ा बनाया जाता है, संस्कृत भाषा में जो बड़ा घड़ा होता है उसको भांड बोलते हैं, भांड, उसका निर्माण होता है। तो उसका जो निमित्त कारण है वो कुम्हार है, और कुम्हार जिन औजारों को काम में लेता है, साधनों को काम में लेता है, उस घट आकृति को देने के लिए उसका वो जो चक्र होता है, पानी होता है, उस मिट्टी को कूट कूट करके, थेपी लगा करके
आकृति बनाई जाती है, वो जो लकड़ी आदि की थेपी होती है, बनाने वाला कुम्हार जिन औजारों से साधनों से बना रहा है, ये सब के सब उस घड़े के प्रति निमित्त कारण है। कुम्हार हो मगर साधन न हो, उपाय न हो, तो घड़ा नहीं बनेगा। थेपी है, दंड है, चक्र है, पानी है, मगर कुम्हार ना हो तो वो जड़ वस्तुएं अपने आप मिट्टी का घड़ा तैयार नहीं कर सकती, क्योंकि दंड चक्र आदि जड़ वस्तु है। और कुम्हार बना रहा है लेकिन कुम्हार के पास भी ये जड़ औजार न हो तो बिना औजारों के बनाएगा कैसे। इसलिए चाहे कुंभकार हो चाहे औजार हो, ये उस घड़े के प्रति निमित्त कारण माने गए हैं। और उस घड़े को जिस मिट्टी से गढ़ा जाता है, वो मिट्टी जो होती है उस घड़े का उपादान कारण होती है, निमित्त कारण है। कार्य का निर्माण हो जाने पर उससे अलग हो जाते हैं, जुदा हो जाते हैं, उसका संबद्ध रहना, जुड़े हुए रहना कोई जरूरी नहीं है। घड़ा हमारे घर में पहुंच जाता, बनाने वाला कुम्हार कहीं रहता है, उसके औजार कहीं रहते हैं, घड़ा कहीं पहुंच जाता है, पहुंचा दिया जाता है। तो निमित्त कारण कार्य में सदैव अनुस्यूत रहे यह आवश्यक नहीं होता, मगर उपादान कारण वो चीज होती है जिससे कार्य को अलग नहीं किया जा सके, वो उपादान कारण है। स्वर्ण से आभूषण बने तो ऐसा नहीं हो सकता है कि स्वर्ण कहीं पड़ा हुआ है और आभूषण को कोई लेकर के चला जाए। आभूषण और स्वर्ण को जुदा जुदा नहीं कर सकते। मिट्टी और घट को अलग अलग नहीं कर सकते। धागा न हो और वस्त्र हो ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलता। पुस्तक को कागज से जुदा नहीं कर सकते। इसका अर्थ हुआ कि पुस्तक के प्रति कागज, घड़े के प्रति मिट्टी, आभूषण के प्रति स्वर्ण, वस्त्र के प्रति धागा, ये सब उपादान कारण है। उपादान कारण को अलग नहीं कर सकते। वो कारण ही कार्य के रूप में दिखाई पड़ रहा है, इसलिए वो उपादान कारण है। और उपादान कारण जो होता है वो भी दो प्रकार के माने जाते हैं। एक उपादान कारण होता है परिणामी उपादान कारण, उसकी आकृति, उसकी शक्ल, जो कारण होता है उसकी शक्ल बदल जाती है, उसमें परिवर्तन आ जाता है, उसके गुणों में परिवर्तन आ जाता है। जैसे दही बनाते हैं तो दूध के बिना तो दही बनेगा नहीं, जैसे कागज के बिना पुस्तक नहीं बनेगी, स्वर्ण के बिना आभूषण नहीं बनेगा, तो दूध के बिना दही भी तो नहीं बन सकता। दूध से ही दही बनता तो दूध के प्रति क्यों, दही के प्रति दूध उपादान कारण है, लेकिन स्वर्ण से बनने वाला आभूषण और दूध से बनने वाला दही, इन दोनों उदाहरणों में थोड़ा अंतर आप देखोगे। अंतर यह है कि स्वर्ण से आभूषण बना तो स्वर्ण में जो स्वर्णत्व है, स्वर्णपना, उसका जो गुण है, उसका रूप है और उसकी कीमत है, वो कोई घट बढ़ नहीं जाती है, उसमें परिवर्तन नहीं आता, स्वर्ण तो स्वर्ण ही रहता है। वो आभूषण के रूप में दिख रहा है
उस कार्य के रूप में दिख रहा है, लेकिन स्वर्ण पने में कोई कमी नहीं होती, कोई परिवर्तन नहीं होता है। किंतु जब दूध से दही बनता है तो आप देखते हैं कि जो दूध के गुण है वो बदल जाते हैं, दूध की मिठास खटास में बदल जाती है, उसका टेस्ट उसका स्वाद चेंज हो जाता है। और दूसरी बात, कभी आभूषण को समाप्त करना हो तो उसको आग के माध्यम से गला करके वापस स्वर्ण के रूप में देखा जा सकता है। आभूषण स्वर्ण से ही बना था और वापस स्वर्णमय हो जाता है, स्वर्ण में मिल जाता है, स्वर्ण ही रहता है। आभूषण को मिटाने पर स्वर्ण रहेगा, किंतु दूध दही के संबंध में ऐसा नहीं होता। दूध से दही बना, परंतु ऐसा नहीं होता कि जैसे आभूषण को मिटा करके वापस स्वर्ण बन गया, स्वर्ण ही शेष रह गया, ऐसे दही को मिटा करके वापस दूध शेष रहे, ऐसा कभी होता है क्या? दही को दूध नहीं बनाया जा सकता। इसलिए दही के प्रति दूध जो है वो परिणामी उपादान कारण है, उसमें परिणाम आ गया, परिवर्तन आ गया, वो बदल गया, उसको बोलते हैं परिणामी उपादान कारण। और दूसरा होता है विवर्ती उपादान कारण। विवर्ती उपादान कारण में जो उपादान है वो ज्यों का त्यों ही रहता है, उसका अवस्था अंतर्भान होता है, वो भिन्न रूप में मालूम पड़ता। स्वर्ण तो स्वर्ण ही है, आभूषण के रूप में मालूम पड़ा। और वेदांतियों का जो दृष्टांत है उसको दिए बिना मैं नहीं रह सकता, क्यों मैं उसी मार्ग का व्यक्ति हूं। वेदांतियों का प्रसिद्ध उदाहरण है रज्जु और सर्प। रस्सी को अंधकार आदि के कारण, दृष्टि दोष के कारण, संस्कारों के कारण कोई व्यक्ति रस्सी को रस्सी न समझ करके उसको सर्प समझ लेता है, तो प्रतीयमान जो सर्प है उसका उपादान कारण वो रस्सी ही है। यदि वहां रस्सी न हो तो सर्प की प्रतीति ही नहीं होगी। परंतु सर्प के रूप में दिखाई पड़ने पर भी ऐसा नहीं होता कि जैसे दूध से दही बन गया ऐसे रस्सी से सर्प बन गया हो, ऐसा नहीं है। वो रस्सी रस्सी ही रहती है, सर्प के रूप में उसकी प्रतीति है। प्रतीति का कारण क्या है? देखने वाले का अज्ञान। अज्ञान ही रस्सी को सर्प के रूप में दिखा रहा है, अज्ञान के कारण दिख रहा है। तो रस्सी से जब सर्प दिखाई पड़ता है तो उस सर्प के प्रति दो कारण है। एक कारण है वो रस्सी, क्योंकि रस्सी ना हो तो सर्प नहीं दिखेगा। और दूसरा, यदि अंधकार ना हो, दृष्टि में कोई दोष ना हो, कोई सर्प के पड़े हुए देखने वाले के अंतःकरण में संस्कार न हो तो रस्सी को सर्प नहीं समझ सकता। इसका अर्थ है कि वो रस्सी को है तो रस्सी, पर रस्सी के रूप में जान नहीं रहा है। उस रस्सी का उसको अज्ञान है। वो अज्ञान ही सर्प के रूप में परिणित हो रहा है। अज्ञान ही वो सर्प के रूप में परिणित हो रहा है। तो रज्जु में सर्प प्रतीति में रज्जु उपादान कारण है, अज्ञान भी उपादान कारण है। परंतु जो रज्जु है वो विवर्ती उपादान कारण है। रज्जु रज्जु ही रहेगी, उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता।
किंतु उसका जो अज्ञान था वो अज्ञान है परिणामी उपादान कारण है। जब प्रकाश के माध्यम से उस रज्जू को देखा जाएगा तो उसका अज्ञान समाप्त होगा और रज्जू के रूप में फिर उसे उसका ज्ञान होगा। तो जो वस्तु पहले सर्प के रूप में दिख रही थी फिर ज्ञान होने पर वो रज्जू के रूप में दिखाई पड़ती है, उसमें परिणाम आ गया। अज्ञान बदलने वाली चीज है, नष्ट होने वाली चीज है, मिटने वाली चीज है। इसलिए अज्ञान परिणामी उपादान कारण है, जिसको माया भी बोल देते हैं, प्रकृति भी बोल देते हैं वेदांती लोग। वो प्रकृति ईश्वर की माया शक्ति परिणामी उपादान कारण है। ये जो मैंने आपको दृष्टांत दिए, रस्सी, सर्प, कागज, पुस्तक, वस्त्र, कपड़ा आदि का, उसमें आप देख रहे हैं कि उपादान कारण में कोई परिवर्तन नहीं है, वो ज्यों का त्यों रहता है। और कार्य बदल जाते हैं उसमें परिवर्तन आता है। ठीक इसी प्रकार से इस गजेंद्र मोक्ष में जो द्वितीय श्लोक में गजेंद्र ने भगवान का स्मरण किया है, उसमें इसी चीज का स्मरण किया है कि ये जो संपूर्ण इदम 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 करके, इदम का अर्थ है संस्कृत में यह है, यह कौन, जो प्रत्यक्ष है, जिसको आंख देख रही है, जिसको हाथ पकड़ रहा है, जो हमारी इंद्रियों का विषय बन रहा है, कहीं शब्द के रूप में, कहीं रूप में, कहीं गंध में, कहीं रस में, कहीं स्पर्श में, ये प्रतीयमान दिखाई पड़ने वाला जो संपूर्ण विश्व है, जगत है, इस जगत को यहां पर इदम शब्द से बोला। ये जो दिखाई पड़ने वाला संपूर्ण जगत है ये किसमें है, तो कहा जिस प्रकार से आभूषण स्वर्ण में है, स्वर्ण के बिना आभूषण नहीं रह सकते, घट मिट्टी में है, मिट्टी के बिना घट नहीं रह सकते, इसी प्रकार संपूर्ण जगत परमात्मा में ही है, परमात्मा के बिना जगत नहीं रह सकते, क्योंकि परमात्मा इस जगत के उपादान कारण है। तो संपूर्ण विश्व परमात्मा में है। यतश्च इदम्, ये किससे पैदा हुआ, जगत किससे पैदा हुआ। देखो घट मिट्टी से बनता है, लेकिन उसको बनाने के लिए जो निमित्त कारण है वो कुम्हार है, औजार आदि हैं। कोई चेतन कुम्हार ना हो तो अपने आप वो मिट्टी घट के रूप में परिणित नहीं हो सकती, उसके लिए चेतन की जरूरत है। इस संपूर्ण जगत के रूप में जो प्रतीति हो रही है वो परमात्मा ही जगत के रूप में दिख रहा है ना, ये बात साफ हो गई। जैसे आभूषण स्वर्ण ही आभूषण के रूप में दिख रहा है, परमात्मा ही जगत के रूप में दिख रहा है, तो स्वर्णकार ने स्वर्ण से आभूषण की आकृति तैयार की है, वो स्वर्णकार निमित्त कारण है। कुंभकार ने मिट्टी से घट की तैयारी बनाया है तो कुंभकार घट का निमित्त कारण है। तो प्रश्न खड़ा होता है कि महाराज इस विश्व का निमित्त कारण कौन है, किसने बनाया इसको, किसने बनाया। तो इस जगत को बनाने वाला भी वो परमात्मा ही है। यतश्च इदम्, यहां जगत का जो निमित्त कारण है उस घट आदि के निमित्त कारण की तरह नहीं है। घट का आभूषण का जो निमित्त कारण कुंभकार स्वर्णकार आदि होता है, उस कार्य को बनाकर के उससे अलग हो जाता है और कार्य को अपने से जुदा कर देता है, मगर इस जगत का जो निमित्त कारण है परमात्मा ईश्वर,
वो जगत को बना करके कहीं दूसरी जगह निवास कर लेता हो, बना करके छोड़ दिया हो, जुदा हो गया हो, ऐसा नहीं है। तो ये सारा विश्व जो प्रतीयमान है उस परमात्मा से ही हुआ है, और परमात्मा निमित्त कारण होते हुए भी जगत से अभिन्न है, भिन्न नहीं होते, अलग नहीं होते। इसलिए परमात्मा को कहते हैं कि वो जगत का अभिन्न निमित्त है, अलग नहीं होता कभी भी, और वही उपादान कारण है जगत बनाने के लिए। उस परमात्मा को कोई अलग से मेटेरियल लाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, स्वयं से ही जगत को बना रहा है। तीसरी विशेषता बताई है, येन इदम। देखो, घड़ा बनाया कुम्हार ने और पानी भरा खरीदने वाले ने, उसका उपयोग किया किसी और ने, ऐसा होता है। घड़े का व्यवहार करने वाला कोई और होता, बनाने वाला कोई और होता है। आभूषण बनाया स्वर्णकार ने और धारण करने का, पहनने का आनंद आप ले रहे हैं, दूसरा व्यक्ति ले रहा है। मगर इस जगत को जिस परमात्मा ने बनाया, वो जगत का जो व्यवहार है, वो सारा व्यवहार भी उस परमात्मा से ही हो रहा है। सारी हलचल जो हो रही है उस परमात्मा से ही हो रही है। तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ती हिल सकती नहीं, खिले ना कहूं फूल। प्रसिद्ध वाक्य, कल भी पर सुना रहा था मैं। माने जगत की जो सत्ता है, उसी से जगत का व्यवहार भी चल रहा है। तात्पर्य यह है कि इस जगत को चलाने वाली सत्ता जड़ वस्तु नहीं है, वो चेतन है। चेतन होने के कारण इस जड़ जगत का भी सारी हलचल व्यवहार हो रहा है। वो इक्षण करने वाला जड़ नहीं, वो चेतन है, पैदा करने वाला चेतन है। इसलिए ब्रह्मसूत्र में व्यास जी महाराज ने कहा, इक्ष तेरे ना शब्दम, अरे जगत के प्रति इक्षण करने वाला वो चेतन है। इसलिए प्रकृति जगत को पैदा नहीं करती है, इक्षण करने वाला चेतन ही जगत का कारण है। प्रकृति एक निमित्त बनती है, कैसे? जैसे घड़े के प्रति औजार निमित्त बनते हैं, मुख्य निमित्त कुंभकार है, परंतु उसकी जो सामग्री है बनाने का साधन है वो औजार होते हैं, दंड चक्र आदि। ठीक इसी प्रकार से जगत को बनाने के लिए उस सृष्टा, उस परमात्मा के पास भी कोई औजार है, कोई साधन है। तो कहा, हाँ है। कौन है? वो है परिणामी उपादान कारण, प्रकृति। मगर वो जो प्रकृति है वो परमात्मा के आश्रित ही रहने वाली है। जैसे थेपी घड़ा बनाने वाले कुंभकार के आश्रित रहेगी, उसके हाथ में है तभी घड़ा बनाया जाएगा। यदि थेपी हाथ से छूट गई तो अपने आप घड़े को नहीं बना पाएगी, बनाने वाले के आश्रित है वो। ऐसे ही प्रकृति जगत के रूप में परिणित हुई है, त्रिगुणात्मिका प्रकृति, उस सत्ता के आश्रित है, उस परमात्मा के आश्रित है। प्रकृति स्वतंत्र नहीं है, इसलिए उसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं कहा जा सकता। शक्ति और शक्तिमान का अभेद होने के कारण ये बात कही गई है कि ये जगत की जो हलचल है वो उस परमात्मा और चैतन्य सत्ता से चल रही है। यह इदम स्वयं, कारण यह हुआ कि प्रकृति स्वतंत्र नहीं होने के कारण ये जगत विश्व जो है, इस विश्व में वो परमात्मा ही परमात्मा है, वो ही विश्व के रूप में दिख रहा है। तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत, रचना किया है और उसी के अंदर वो प्रविष्ट हो गया है। वासुदेव सर्वमिति, ये सब कुछ वासुदेव ही है। इदम स्वयं, वो स्वयं परमात्मा जगत के रूप में दिख रहा है। और यही कारण है
कि वेदज्ञ महापुरुष गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सिया राम मये सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सिया राम मय सब जग जानी, न कि मानी। मान लो कि सब सिया राम मय है, उन्हीं से बना है, उन्हीं का कार्य है, मानो मत। हमारा शास्त्र कहता है जानो, ये सच्चाई है। सिया माने प्रकृति, राम माने चैतन्य सत्ता। उस सत्ता और सत्ता आश्रित जो शक्ति है, उन दोनों का ही विकार ये संपूर्ण जगत है, वही विश्व के रूप में दिखाई पड़ रहा है। इसलिए इदम यह स्वयं विश्व के रूप में जो स्वयं ही है, वो परमात्मा ही है। यही कारण है कि हमारे यहां पर कंकर कंकर को भी शंकर मानते हैं। सब कुछ उस परमात्मा का ही रूप है। बहुत बड़ी बात है सर्वत्र उस परमात्मा दृष्टि को करना। यहां पर गजेंद्र बोल रहा है कि जो कुछ दिखाई पड़ रहा है, मैं उस परमात्मा सत्ता को ही देख रहा हूं। योस्मात परस्मात च परः। प्रश्न खड़ा होता है कि गजेंद्र को यह बात समझ में आ गई कि यह सब कुछ जो है वो परमात्मा ही परमात्मा है, तो सारी दुनिया को क्यों समझ में नहीं आती? काहे को राग और काहे को द्वेष कर रहे हैं? एक परमात्मा को ही समझ लेना चाहिए कि सब परमात्मा ही है परमात्मा। बोले बात यह है कि हम लोग पश्यन्नपि न पश्यति, उस परमात्मा को देखते हुए भी नहीं देख रहे हैं, देखते हुए नहीं देख रहे हैं। उसका एक उदाहरण मैं आपको बताता हूं, और मेरा प्रिय उदाहरण है। आप मार्केट में कोई कपड़ा खरीदने के लिए गए, साड़ी खरीदने के लिए गए, कोई पैंट पीस शर्ट पीस खरीदने के लिए गए। जब आप शोरूम में प्रवेश करते हैं तो वहां जाने के बाद सबसे पहले आप पूरे शोरूम में अपनी दृष्टि फैलाते हैं। हजारों वस्त्र व्यवस्थित रूप से रखे हुए हैं शोरूम में, आप सबको देखते हैं। आप ये भी देखते हैं कि किस खंड में पैंट पीस है, किस खंड में शर्ट पीस है, किस में साड़ी है, किस में धोती है, किस में साफा है, कौन सा कपड़ा कहाँ है, कहाँ ऊनी है, कहीं सूती है। आप पहले देख लेते हैं कौन से कलर का कपड़ा कौन सा है। हजारों वस्त्रों में से आप एक वस्त्र का चयन करते हो, देख करके चयन करते हो, और उस मर्चेंट से बोलते हो, भैया वो जो कपड़ा है, वो साड़ी दिख रही है ना अमुक कलर वाली, वो दिखाओ तो। और व्यापारी उस साड़ी उतार करके ग्राहक के सामने डाल देता है। आप भी हो सकते हैं, जब उतार करके वो कपड़ा वस्त्र साड़ी पैंट शर्ट आदि पीस सामने डाल दिया गया, उसके बाद में आप उस कपड़े का कोना पल्ला खुला करके देखते हैं, उंगली फिराएंगे, बजा करके देखेंगे, खींच करके देखेंगे, उसके बाद में पसंद ना पसंद जो भी करना है डिसीजन बाद में होगा। पर एक सवाल है जी, जब हजारों वस्त्रों में से उस वस्त्र को आपने पहले ही पसंद कर लिया कि मेरी चॉइस इसकी है, मेरे लायक कपड़ा ये है,
तब जब आपके सामने डाल दिया गया टेबल के ऊपर, तो उंगली फिरा करके और फिर क्या देख रहे हैं उसमें आप? देख तो लिया, पहले से ही देख लिया, परंतु देखने देखने में अंतर है। पहले उसको दूर से देखा, और जब दूर से देखा है तो उस कपड़े की डिजाइन को देखा, उसके रंग रूप को देखा, और नजदीक डालने पर आप उस कपड़े की क्वालिटी को देखते हैं, ये असली कॉटन है, मजबूत है, कमजोर है, इत्यादि दृष्टि से जो क्वालिटी है उसको आप नजदीक से देखते हैं। दूर से भी कपड़े को देखा और नजदीक से भी कपड़े को देख रहे हैं, दृष्टि मंत्र आ गए ना। दूर से केवल उसकी डिजाइन आदि देखी, नजदीक से क्वालिटी देखी जा रही है। ठीक इसी प्रकार से ये जो संपूर्ण विश्व है, इसको भी देखने की दो दृष्टि है। अब जिस समय वो डिजाइन को, कपड़े को देखा जा रहा था, तो वो डिजाइन जो बनी हुई है क्वालिटी से अलग तो नहीं हो सकती, उस क्वालिटी के ऊपर ही तो अध्यस्त है। ऐसा नहीं कि कपड़ा सामने आ गया तो उसकी डिजाइन खत्म हो गई, परंतु जिस वक्त कपड़े की क्वालिटी देखी जाती है, उस वक्त देखने वाले की जो दृष्टि है, आप बताइए उसे कलर के ऊपर, डिजाइन के ऊपर होगी या फिर उसकी क्वालिटी असलियत के ऊपर होगी, उसके स्वरूप के ऊपर होगी? सीधी सी बात है, जब नजदीक से देख रहे हैं तो दृष्टि उसकी असलियत को समझेगी कि कॉटन है अथवा पॉलिस्टर है, कमजोर है कि मजबूत है, हमारी दृष्टि उस जगह पर है। अब कलर को देखते हुए भी, उस पर बनी हुई डिजाइन को देखते हुए भी हमारी आंख देखती नहीं है। जैसे एक्सरे मशीन होती है, जब हड्डी का चित्र लेती है, अस्थि का, तो कैमरे के और उस हड्डी के बीच में जो इंसान की चमड़ी आती है, चर्म आता है, उसको बाधित करके और हड्डी का चित्र ले लेती है, अंदर का चित्र लेती है। ऐसे ही हमारी दृष्टि भी, वो नाम रूप, उसका जो कलर है, डिजाइन है, उसको बाधित करके उसकी असलियत को देखती है। ठीक इसी प्रकार से जो उस परम सत्य परमात्मा का चिंतन करने वाला एक उच्च कोटि का गजेंद्र की तरह साधक होता है, तो वो भी इस जगत के क्वालिटी को, उस परमात्मा को ही देखते हैं, इसके डिजाइन को, इसके रूप को, इसके आकृतियों को वो नहीं देखते हैं, परंतु आकृतियां जिस पर दिख रही है उस कारण को देखते हैं। उसकी दृष्टि होती है सिया राम मये, ये तो साक्षात परमात्मा, वासुदेव सर्वम, ये परमात्मा ही, वासुदेव ही तो है असलियत को देखने वाले के लिए। और जो उस कारण को नहीं समझ रहा है, उस पर अध्यस्त नाम रूप में अटका हुआ है, वो उसको देखते हुए भी नहीं देख रहा है, ये बात सीधी है। इसलिए दृष्टि दृष्टि का भेद है। इस श्लोक के अंदर यह आया कि अस्मात् परस्मात् च परः, वो परमात्मा इस संपूर्ण नाम रूप से भी पर है, जैसे डिजाइन से, कलर से उसकी क्वालिटी और अंदर है, ऐसे ही नाम रूप जगत से वो परमात्मा अस्थि भाति प्रिय रूप में और इसके अंदर है। और इस जगत का जो परिणामी उपादान कारण है प्रकृति, उस प्रकृति से भी जो परे है, परस्माच परह, उस प्रकृति से भी जो पर है
वो हमारा ध्येय परमात्मा है, मैं उसी की शरण लेता हूँ, मैं उसी का ध्यान करता हूँ, वही मेरा परम रक्षक है, क्योंकि वो बहुत दूर नहीं है, वो हमारा है, मैं उसका हूँ। इसलिए महात्मा लोग अपनी भाषा में कहते हैं, भाई भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं, हम भगवान से अभिन्न हैं, इसलिए भगवान हमारी रक्षा करता है। इस पवित्र भावना से तम प्रपद्ये स्वयं भुवम, गजेंद्र बोलता है कि मैं उस परमात्मा की जो स्वतः सिद्ध तत्व है, सारा जगत उस परमात्मा में प्रतीयमान है, परमात्मा से ही बना है, लेकिन उस परमात्मा किसी से बना नहीं, उसका कोई कारण नहीं है, वो स्वतः सिद्ध है, वो परम सत्य स्वतः सिद्ध तत्व की मैं शरण ग्रहण करता हूँ, मैं उसका आश्रय लेता हूँ, गजेंद्र प्रार्थना कर रहा है। ये स्वात्मनि निदम निज माया अर्पितम, क्वचिद विभातम क्वच तत् तिरोहितम, अविद्ध दृक् साक्षु भयम तदीक्षते, स आत्म भूमोलो वतुमाम परात्परः। और भी बहुत सुंदर प्रार्थना की है, यह स्वात्मने इदम निज माया अर्पितम, वो तत्व वो परमात्मा जो माया से अध्यस्त इस संपूर्ण विश्व को अपने भीतर ही देख रहा है, कहीं ये जगत भासमान हो रहा है, कहीं प्रलय काल में तिरोहित हो जाता है, छुप जाता है, तो नाम रूप जगत का तो आविर्भाव और तिरोभाव होता है, बनता है और बिगड़ता है, कभी दिख रहा कभी नहीं दिख रहा है, लेकिन दिखने और नहीं दिखने को देखने वाला जो है वो मेरा ध्येय है, वो मेरा परमेश्वर है, वो मेरा आश्रय है। दिखने वाला तो दिखे, कभी छुप जाए फिर प्रकट हो जाए फिर छुप जाए, जैसे दिन और रात, कभी दिन है तो कभी रात, कभी रात है तो फिर दिन, चलता रहता है। ऐसे विश्व का आविर्भाव तिरोभाव बनना और बिटना होता है, लेकिन बनने को भी प्रकट को भी और अप्रकट स्थिति को भी, दोनों को सदैव जो देखता रहता है वो अविद्ध दृक् है, उसकी जो दृष्टि है कभी बाधित नहीं होती, वो सदैव जगत को भाव को भी जानता है, वो अभाव को भी जानता है, वो मेरा आराध्य मेरा शरण्य तत्व है, जो साक्षी है होने का भी और नहीं होने का भी, दोनों को जो देख रहा है, उभयम तदीक्षते स आत्म मूल, वो जो आत्मा रूप में मूल स्वरूप है, परमात्मा रूप में, मैं उसी परमात्मा से प्रार्थना कर रहा हूँ, वो परात पर ईश्वर है, भाव अभाव दोनों जिसमें प्रतीयमान है, वो जो परमात्मा है, माम अवतु हे भगवान, वही तू है, माम अवतु मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, प्रार्थना किया है। बहुत सुंदर स्तुति है, आज थोड़ा खींचने का प्रयास किया क्योंकि समय पर पूर्ण करना, आज इस प्रवचन क्रम का सातवां दिन है, 15 दिन का प्रवचन होना है, तो थोड़ा गति बढ़ाएंगे, प्रयास करेंगे। चलो आज घड़ी इनकार कर रही है, कल आपको निवेदन करेंगे। इन्हें शब्दों के साथ भजन का आनंद प्रतिदिन आप लोग ले रहे हैं, यहीं पर आज के वक्तव्य को विश्राम देंगे। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूंगा, जहाँ
I'm not afraid to die.
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः।